यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम ले सकते हैं, अगर आपको उनका स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं पता तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा। देखिए प्रोबेबिलिटी का क्या क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है। टू नंबर्स ए एंड बी आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द सेट ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर मीन्स 1, 2, 3 up to 30 फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर। देन द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 3। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को मैंने कैसे बताया था पहले वो समझाता हूँ। पहले इसके ऑप्शन भी लिख देता हूँ केवल समझाने के लिए। 47/87 बी आंसर था 15/87 सी ऑप्शन था 12/87 एंड डी इज 9/87। इस तरह के चारों ऑप्शन दिए हुए थे। अब जरा इन ऑप्शंस को हम देखें समझें, तो एक चीज़ समझिएगा। सबसे पहले ए एंड बी टू नंबर्स लेने, आपको याद होगा कि जब भी डिविजिबल बाय थ्री बोले तो नंबर का सम चेक किया जाता है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है यहाँ पर, तो आपको नंबर ऐसे लेने थे लाइक 1, 2, 3 ऐसे बना लीजिए, 4, 5, 6 up to 10, 20 and 30। अब देखिए क्या होता है, अगर आप वो दो नंबर इनमें से कोई भी ले लेंगे, अगर वो दो नंबर इनमें से कोई भी ले लेंगे तो ऑब्वियसली डिविजिबल बाय थ्री ही होगा। पर इनमें से भी देखे करके 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 21, इनमें से भी ले लें तो भी होगा और इनमें से ले लें तो भी होगा। इसका मतलब सबसे पहले तो डिनोमिनेटर की बात करें तो 30C2, न्यूमरेटर की बात करें तो इन 10 में से 2 ले लें, तो ऐसा आप लिख सकते हैं 10C2 और ऐसा 3 times हो रहा है तो 3 times of 72। प्लस एक और चीज होती है कि आप इसका और इसका एक नंबर सोचिए, ये इस तरीका ही है इसको करने का। अगर मान लो इन दोनों को देखूं मैं, तो देखिए 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 12 डिवाइड, यानी इस 10 में से एक ले लूं और इस 10 में से एक ले लूं, राइट। अब अगर मैं आपसे बोलूं इसको सॉल्व करो तो आप बोलते 3 10 into 9 by 2 plus 10 into 10 upon 30 into 29 by 2। ये कैंसिल कितने टाइम, 5 टाइम, 15 9 जा 135 plus 100 235 upon 15 into 29। अब अगर मैं आपसे बोलूं 5 से कैंसिल कर दो, देखो कैलकुलेशन का भी टाइम, 5 3 जा 5 4 जा 3 47 upon 87 upon 87, दिस इज द राइट आंसर, राइट। 47 upon 87 इज अ राइट आंसर। नोट करिए क्वेश्चन को। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन था और आप लोगों ने सभी ने किया होगा। लेट एफ सच दैट रियल टेंड्स टू रियल बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन 1/x, एक्स ग्रेटर देन 0 0, एक्स लेस देन इक्वल टू 0, राइट। ये फंक्शन कंटिन्यूस होता है, बट देखिए सबसे पहले समझें कि f 0 पे क्या है, 0, f 0 माइनस h पे भी क्या है, अगर 0 माइनस h देखें तो भी 0, f 0 प्लस h पर क्या है, तो आप ऐसा लिखते h इंटू साइन 1/h। एंड रिमेंबर यहाँ पर जब आप वैल्यू रखते हैं तो साइन 1/0 ये इन्फिनिटी नहीं होता, ये -1 से +1 में ऑक्सीलेट करता है, और h की जगह 0 रख देते हैं तो ओवरऑल रिजल्ट 0, तो कंटिन्यूस तो होता है बट ये डिफरेंशियबल नहीं होता। बिकॉज जब डिफरेंशियबिलिटी की बात आती है तो आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव देखना होता है, उसमें ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म मिल जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा f इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू 0, यानी 0 पे ये डिफरेंशियबल नहीं है, कंटिन्यूस है बट डिफरेंशियबल नहीं है, राइट। ध्यान रखिएगा इसका आंसर सी करेक्ट होगा, कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशियबल। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए क्या है, इफ ए एंड बी आर द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 2nCr एंड 2n-1Cr रिस्पेक्टिवली, देन अब आपसे इसमें करेक्ट आंसर पूछा है। कभी भी उलझ जाओ तो मैं आपको तरीका बताता हूं कि आप समझिए क्या पूछा है। b इक्वल टू 2a, a इक्वल टू b एंड d इज a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, इस तरह के ऑप्शन आपको दिए गए हैं।
अब सबसे पहले हम समझें कि ए जो है वो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू है, बी जो है इसकी। अब इस तरह के क्वेश्चन आपको याद हो बाइनोमियल थ्योरम में हम जब करते हैं कि 1 + x^2 अगर सपोज 2n लिखा होता तो इसका जो ग्रेटेस्ट टर्म है वो 2ncr है। और याद रखिए जब ये इवन होता है तो नंबर ऑफ टर्म जो होते हैं आपको ऐसा मिलता है, पहला 2nc0 ऐसे मिलते जाते हैं अप टू 2ncn, तो इवन में टोटल टर्म मिलते हैं ऑड, और ऑड टर्म मिलते हैं इसलिए मिडिल टर्म होता है 2n/2+1 यानी n+1 टर्म, राइट, n+1 टर्म। इसको आप वैल्यू लेके भी कर सकते थे, मेथड से भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2nc n+ सीधा n आ जाएगा क्योंकि यहां पर आपको मिडिल टर्म निकालना है n+1 टर्म के लिए, तो ये आ गया। अब सिमिलरली यहां पर आपको मिलेंगे 2n-1, इसका मतलब 2n-1 का मतलब होता है कि आपको एक्सपांशन में इवन टर्म मिलेंगे। क्यों मिलेंगे इवन टर्म? क्योंकि 2n-1 ऑड है, ऑड में एक टर्म ज्यादा, n+1 टर्म मिलते हैं। अब वो इवन टर्म मिलेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है 2n-1+1/2 यानी n। तो इसका मतलब ये होगा 2n-1c n-1 और 2n-1c n+1, कोई भी एक यूज कर सकते हो क्योंकि मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है 2n-1+3/2 भी होता है। अब आपको ये दिया है b, ये दिया है a, ये दिया है b। अब आपकी मर्जी, आप चाहें तो इसे वैल्यू लेके कर लें। जैसे मान लो आपने n की वैल्यू 3 ले ली तो एक तरह से 6c3 है ये, और ये कितना है अगर n की वैल्यू 3 ले ली तो ये है 5c2। 6c3 कितना होता है जरा देखिए, 6 5 4 upon 3 2 1 यानी 20। 5c2 कितना होता है? 10, राइट। आप वैल्यू भी निकालेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, इसका मतलब ए की वैल्यू 20 है और बी की वैल्यू 10 है, यानी ए इक्वल टू हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2b। ए इक्वल टू हम चाहें तो 2b लिख सकते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए कि ये इवन है, ये इवन है और वो ऑड की सीरीज है। इवन में मिडिल टर्म जो होता है टोटल एक्सपांशन टर्म मिलते हैं आपको ऑड, तो उसका मिडिल टर्म होता है n/2+1 टर्म, तो 2n/2+1 टर्म यानी n+1 टर्म। और जब मैं आपसे बोलूंगा n+1 टर्म निकालो तो 2ncn होगा। ऑड में मिडिल टर्म क्या, टोटल इवन टर्म मिलते हैं तो मिडिल टर्म होता है n+1/2 या n+3/2। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते थे, राइट। यानी आप यहां पर वैल्यू ले सकते थे, इसको सॉल्व करते तो भी आ जाता है। ए और बी में बेसिकली आपको रिलेशन देखना होता है कि क्या रिलेशन आएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है आप इसमें उलझ जाए, हो सकता है ना उलझे। क्या है क्वेश्चन, मैं पहले शॉर्ट तरीका बताता हूं। ए ए वन ए टू अप टू ए टू एन माइनस वन कॉमा बी आर एन ए पी, ये ए पी में है। फिर बोला है ए कॉमा बी वन बी टू अप टू बी टू एन माइनस वन कॉमा बी इन जी पी, और थर्ड बोला है ए सी वन सी टू अप टू सी टू एन माइनस वन कॉमा बी इन एच पी। वेयर ए बी सी आर पॉजिटिव देन द इक्वेशन ए एन एक्स स्क्वेयर प्लस नहीं, समझिएगा क्या क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। ए एन एक्स स्क्वेयर माइनस बी एन एक्स प्लस सी एन इक्वल टू जीरो हैज रूट्स, ऑप्शन है रियल एंड इक्वल, बी है रियल एंड अनइक्वल, सी है इमेजिनरी और डी है वन रियल एंड वन इमेजिनरी। अब इस क्वेश्चन को तीन तरीके हो सकते थे, मैं आपको सबसे पहले इजिएस्ट तरीका बताऊंगा, फिर मैं बात करूंगा इसकी वैल्यू लेके भी कर सकते थे, मेथड से भी कर सकते थे। सबसे पहले अगर मैं ऐसा थोड़ी देर के लिए मान लूं कि इसका अर्थमेटिक मीन है ए, ये है बी, ये है मान लीजिए एक ही टर्म ले लें तो भी चलेगा ज्योमेट्रिक मीन, और ये मान लीजिए हार्मोनिक मीन। अच्छा आपको पता है ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर होता है अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। अगर मैं आपसे केवल बोलूं ए एन बी एन इसी के बीच के टर्म है, मिडिल टर्म होगा, अगर मैं आपसे बोलूं इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है तो आप बोलते हैं बी एन का स्क्वायर माइनस 4 ए एन सी एन, यानी बी एन मतलब ज्योमेट्रिक मीन हो गया, यानी आप ऐसा बोल सकते थे जी स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू एच। अच्छा जी स्क्वायर कितना है ए एच, तो ए एच माइनस 4 ए एच यानी फाइनली माइनस 3 एच, ये नेगेटिव मिला। इसका मतलब अच्छा ए और बी ऑलरेडी पॉजिटिव बोला है इसलिए कोई कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है,
ये सब भी पॉजिटिव होंगे, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो। देखो यहाँ पे स्ट्रिक्टली मेंशन है, ये बात जरूरी थी मेंशन करना कि वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव, क्योंकि अगर ए और बी पॉजिटिव हैं तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन तीनों पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेस देन जीरो तो रूट्स आर इमेजिनरी, आप यहाँ पर इजीली आंसर दे सकते थे रूट्स आर इमेजिनरी। अब आप वैल्यू लेके करना चाहते तो वैल्यू लेके कर सकते थे, एक ही ज्योमेट्रिक मीन ले लें, ऑड नंबर ऑफ है, ऑड नंबर है। अगर मान लो मैं एन की वैल्यू वन लूँ, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि एन की वैल्यू मैंने वन ली, तो टू माइनस वन वन, तो इसका मतलब एक ही हार्मोनिक मीन रखना। जैसे आप मान लो टू एट के बीच में कितना रख लें, टेन फाइव, ये हो गया ए, ए एन हो गया ये, ऐसे ही टू और एट के बीच में सिक्सटीन फोर बी एन, ये हो गया कितना फोर, ऐसे ही टू और एट का हार्मोनिक मीन निकालना है तो हार्मोनिक मीन इस फॉर्मूले से निकाल लो, सिक्सटीन इक्वल टू फाइव इंटू एच, तो ये हो गया एच एन इक्वल टू सिक्सटीन बाय फाइव। आप देख लीजिए रख के, आपका आंसर आ जाएगा। पर अगर ये प्रॉपर्टी याद है, सिंपल सी प्रॉपर्टी अगर ये याद है कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, सॉरी अर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन का प्रोडक्ट ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के इक्वल होता है, या ज्योमेट्रिक मीन, ये ए अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन जीपी में होते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते थे। कंफ्यूज करने के लिए इतना बड़ा दिया हुआ है, अदरवाइज आप एन की वैल्यू को जैसे ही कंसिडर करेंगे आपको समझ में जाएगा। मान लीजिए आपने एन की वैल्यू वन ली, तो एक तरह से ए वन हो गया और ये क्वेश्चन भी ए वन बी वन और सी वन जैसा हो गया। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। लेट एफ एक्स इक्वल टू कॉस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मॉड ऑफ एक्स प्लस ए, मॉड ऑफ एक्स प्लस ए, एक्स लेस देन जीरो, वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन इक्वल टू, इफ एफ शुड कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो देन ए मस्ट बी। अब आपसे पूछा है कि ए की वैल्यू क्या होगी अगर ये फंक्शन एट एक्स इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूस है। ऑप्शन है जीरो, वन, टू एंड माइनस ऑफ वन, देखते हैं। अब देखिए एक चीज अच्छे से समझ लीजिए, एक तो ये एफ जीरो पे दिया है, तो अगर मैं एफ जीरो ही बोलूँ तो कॉस जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो होता है और कॉस जीरो वन, और जीरो माइनस जब एच की बात करूंगा तो मैं लिखूंगा माइनस एच प्लस ए, ये बचेगा एच प्लस ए, और एच की वैल्यू एक तरह से जीरो हो गई, तो अगर एच की वैल्यू जीरो हो गई तो एक तरह से ए बचा और कंटिन्यूस बोला है तो ए का वैल्यू आ गया वन, देन दिस इज द राइट आंसर, ए का वैल्यू हुआ वन। राइट, ए की वैल्यू होगी वन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मॉड लगा हुआ है तो माइनस जीरो माइनस एच जब रखेंगे तो जीरो से छोटे वाले में ये लेंगे और h की जगह जीरो रख दिया तो a बचा और ये दोनों लिमिट इक्वल होंगी, यहां पर जीरो प्लस h चेक करने की जरूरत नहीं थी। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट समझिएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इन अ चेस टूर्नामेंट n मेन, n जो है वो मेन है एंड टू वुमेन, एंड टू वुमेन प्ले पार्टिसिपेट, ईच प्लेयर प्ले टू गेम्स, ईच प्लेयर प्ले टू गेम्स, याद रखिएगा टू वुमेन है और एन मैन है, ईच प्लेयर प्ले टू गेम्स अगेंस्ट एवरी अदर प्लेयर, मतलब मैं किसी से भी दो गेम खेलूंगा चाहे मेल या फीमेल, पर टू गेम खेलूंगा। ऑल्सो द टोटल नंबर ऑफ गेम प्ले बाय मेन अमंग देम सेल्फ एक्सीड बाय 66 द नंबर ऑफ गेम that the men play against the women, the total number of player in the tournament, इसको हम option से भी कर सकते हैं, total number of players in a tournament पूछा है, याद रखिएगा confused मत होइएगा, total number of men नहीं, यानी जो भी men होंगे उसमें two जुड़ जाएंगी, women तो total number of players होंगे। अब इस question को ऐसे सोचिए कि अगर men अकेले game खेल रहे होते तो कितने game आते और women के साथ खेल रहे होते तो कितने, तो आप ऐसा बोलते NC2 into 2 game, ये सभी के साथ है टू टाइम्स ऑफ एन सी टू, और अगर वुमेन के साथ खेलेंगे तो हम ऐसा बोलेंगे एन सी वन टू सी वन, एक मेन एक वुमेन इन टू टू टाइम। अब ये एक्सीड कर रहा है 66, अब इसको वैल्यू लेके करेंगे तो ऑप्शन से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, कि मान लीजिए सबसे पहले कि 13 टोटल प्लेयर हैं तो टू वुमेन कम होंगे तो 11 मैन टू वुमेन, अब 11 मैन की बात करें तो 11 मैन
अगर मैच खेलेंगे तो 11C2 इनटू 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स ऑफ 11 इनटू 10 अपॉन 2 यानी 110 मैच होंगे। अगर 11 में से एक मैन और एक वूमेन खेलें, ये भी 2 टाइम्स ही होगा, तो 2 इनटू 11 इनटू 2 यानी हो गया 44। इसको माइनस करिए, 110 माइनस 44 दिस इज 66, राइट। यही बोला गया आपसे, यही बोला गया है, तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई, यानी 13 इज अ राइट आंसर। इसमें 11 मत लगा दीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा है देन द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द टूर्नामेंट, टोटल प्लेयर कितने हैं, ना कि टोटल नंबर ऑफ मैन पूछा है। टोटल नंबर ऑफ मैन पूछा होता तो 11, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर पूछा जाए तो 13, और उसमें से 2 वुमेन कम हो गई। ये इस तरह का क्वेश्चन है, बाकी आप मेथड से करते तो इससे भी कर सकते थे सॉल्व, पर एंड में थोड़ा सा टाइम लगता तो ज्यादा अच्छा ये तरीका रहता, राइट, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए क्या है, लेट, ये छोटी क्लास का क्वेश्चन है, मतलब 10th क्लास का रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड, लेट पी एक्स बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा दिया हुआ है, सच डैट P नॉट इक्वल टू 1, जैसे ये दिया इसका मतलब x की वैल्यू 0, एक रूट इसका 0 है, x की वैल्यू अगर 0 रख दें तो C का वैल्यू 1 मिलेगा, यानी एक तरह से आपको इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, राइट। अब क्या बोला सुनिएगा, लेट पी एक्स बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट पी नॉट इक्वल टू 1 इफ पी एक्स लीव रिमाइंडर, इफ पी एक्स लीव रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय, अगर मैं x माइनस 1 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 4 मिलता है, व्हेन डिवाइडेड बाय x, ठीक है, 4 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एंड इट लीव रिमाइंडर 6 व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 1, अगर x प्लस 1 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 6 मिलता है, देन आपको कुछ इस तरह के ऑप्शन दिए हैं, p माइनस 2 11 b, p 2 11 c, p 2 19 D, P माइनस 2 इज 19। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक बात समझिए, अगर x माइनस 1 को डिवाइड करें और कंप्लीटली डिवाइड होता तो 1 रखने पे 0 मिलता, पर 1 रखने पर अगर मैं इसमें 1 रख दूं तो रिमाइंडर 4 मिल रहा है, यानी अगर मैं 1 रखूं, समझिएगा क्योंकि रूट है, तो 1 रखा तो A प्लस बी सी इसमें रख दीजिएगा प्लस 1, इस केस में रिमाइंडर 4 मिल रहा है। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा होता, अगर ये इसका फैक्टर होता तो रिमाइंडर 0 मिल रहा होता, इसका मतलब आपके पास a प्लस बी इक्वल टू आप बोल सकते हैं एक तरह से 3 है। ऐसे ही x प्लस 1 रखने पर, यानी x की वैल्यू माइनस 1 रखने पर आपको रिमाइंडर 6 मिल रहा, तो माइनस 1 रखिए तो आप लिखते a माइनस बी प्लस 1 इक्वल टू 6, यानी ऐसा भी बोल सकते थे a माइनस बी इक्वल टू 5। अब देखिए ये दो इक्वेशन आपके पास आ गए, इनको सॉल्व कर लीजिए, ऐड करोगे तो बी से बी कैंसिल, 2a इक्वल टू 8, देन a इक्वल टू 4, a का वैल्यू 4 यहाँ रख दो तो b इक्वल टू माइनस 1। अब आपके पास अब कुछ भी पूछा जाए बता सकते हो, एक तरह से पी एक्स ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस x प्लस ऑफ 1। अब जैसे आपको 2 या माइनस 2 पे बताना है, तो अगर मैं बोलूँ 2 रख दें, मान लो 2 रखते तो 2 का स्क्वायर होता 4, 4 4 जो 16 माइनस 2 प्लस 1 से तो 15 मिलता, तो 2 पर ये वाले आंसर दोनों ही रिजेक्ट हो गए। अब माइनस 2 भी रख के देख लेते हैं, मैंने माइनस 2 रखा तो भी 2 का स्क्वायर 4 16 प्लस 2 प्लस 1 यानी 19, यानी माइनस 2 पे 19 मिल रहा है, देन दिस इज द राइट आंसर, राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, If A greater than 0, B greater than 0 and A plus B equal to pi by 6, then the minimum value of 10A plus 10B, और आपको ऑप्शन कुछ इस ढंग के दिए हैं, रूट 3 माइनस रूट 2, 4 माइनस 2 रूट 3, 2 by रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3, राइट। अब अगर ध्यान दें तो सबसे छोटी वैल्यू तो अगर सब्ट्रैक्ट भी करें 2 इंटू 1.7 3.4, यही देखते हैं,
वैसे नॉर्मली जब इस तरह का क्वेश्चन है ए प्लस बी, अब ये मिनिमम बोला है तो मैक्सिमम मिनिमम में करा, ये इक्वली होंगे डिवाइड क्योंकि डिग्री वन वन है। इस तरह के क्वेश्चन करें यानी पाई बाई ट्वेल्व, पाई बाई ट्वेल्व, 10 15 10 15 10 15 की वैल्यू आपको निकालना आती है 45 माइनस ऑफ 30 से, यानी बेसिकली रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन, तो सीधा सीधा ये टू टाइम्स हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, और आप इसको भी रैशनलाइज कर दें तो आपका और टाइम बच जाएगा। रैशनलाइज करेंगे तो 3 माइनस वन टू, टू से टू कैंसिल, रूट थ्री माइनस वन का स्क्वायर यानी 4 माइनस टू रूट थ्री इज अ राइट आंसर। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ऑन टू, ऑन टू मतलब होता है सब्जेक्टिव, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी इफ एन ए इक्वल टू 6 एन बी इक्वल टू 3 एज, ऑप्शन कुछ इस तरह के, इसमें क्या मिस्टेक हो सकती है वो भी बताता हूं। 340 एंड डी इज 540, मिस्टेक बताता हूं। ये बिल्कुल ऑन टू फंक्शन मतलब होता है कि हर एक फंक्शन कोडोमेन रेंज इक्वल होना चाहिए। बेसिकली लॉजिक ये है कि यहां पर 6 एलिमेंट है ऐसा 1 2 3 4 5 6 और यहां पर 3 एलिमेंट है ए बी सी, हर एक कोई भी यहां का एलिमेंट एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन बॉल और कंपेयर करिए, अब देखिए क्या होता है, लेटर बॉक्स लेटर, या कंपेयर करिए बॉक्स हैं 3 और 6 बॉल है, इनको इसमें पुट करना है। फर्स्ट बॉल को पुट करने के हाउ मेनी वेज, 3 वेज, नेक्स्ट बॉल को पुट करने के अगेन 3 वेज, नेक्स्ट को अगेन 3 यानी 3 पावर 6। अब ऑन टू फंक्शन में एक भी ऐसा बॉक्स नहीं होना चाहिए जो खाली हो। इसका मतलब यह हुआ कि हम यहां पर एक लॉजिक सोचें कि अगर मान लो सभी बॉल इसमें हैं, तो एक केस हुआ सभी इसमें, एक केस हुआ सभी इसमें, एक केस हुआ, इन 3 केस हुए, ये माइनस करा 3 पावर 6 माइनस 3, आप ये आंसर लगा सकते थे बट दिस इज द रॉन्ग आंसर। ये भी पॉसिबल मिस्टेक हो सकती थी जो बताया, क्योंकि हो सकता है कि 5 ऑब्जेक्ट यहां आ जाए, एक यहां आ जाए, तो ये भी बॉक्स खाली रहेगा, ये ऑन टू का एग्जाम्पल नहीं है। एक पॉसिबिलिटी, आपने जो माइनस थ्री किया वो गलत नहीं है, आपने माइनस किया कि सभी बॉल इसमें है, एक केस सभी इसमें है सभी इसमें, पर मैं कह रहा हूं कि हो सकता है 5 इसमें, एक इसमें और एक एम्प्टी हो। अगर ऐसा होता तो क्या होता, तो हम जरा समझें, इस बॉक्स के नाम दे देते हैं ए बी सी। तो मान लीजिए ये ए है, ये बी है, और ये सपोज सी है। अब मान लीजिए कि आपको मैं ऐसा बोल दूं कि ये बॉक्स, ये बॉक्स, इन दो में आ रही ये बॉक्स एम्प्टी ही है, तो फर्स्ट बॉल को पुट करने के 2 वेज, नेक्स्ट को फिर 2 वेज, फिर 2 यानी 2 पावर 6। बट सोचिए कि जब एक बॉक्स में पूरी बॉल आ गई तो ये खाली हो सकता, अभी इसकी बात ही नहीं कर रहे। अगर एक बॉक्स में ऐसा आ गया तो ये बॉक्स खाली हो सकता, ये केस नहीं लेना, तो माइनस 6 कर दिया आपने। पर ऐसा कितने बार, ऐसा क्या, आप समझे बात को, क्या क्या बोला मैंने यहां पर, ओ सॉरी माइनस, ये 3 देखिए, सॉरी इसमें माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, देखिए 2 इन पहली बॉल इस 2 बॉक्स में आ गई, दूसरी बॉल इस 2 बॉक्स में आ गई, तीसरी इस 2 बॉक्स में आ गई, और माइनस ऑफ 2 होगा। एक केस ऐसा होगा कि सभी बॉल इसमें है, एक केस ऐसा होगा सभी इसमें, नहीं लेना है कहीं ना कहीं, रहना चाहिए माइनस 2, तो ये हो गया 64 माइनस 2 यानी 62। और रिमेंबर 62, पर ऐसा ये बॉक्स खाली है, अब ये भी खाली हो सकता है, ये भी, यानी एक ही बॉक्स के खाली होने की बात कर रहा है, इनटू 3 टाइम कर दीजिए, तो ये हो गया कितना, ये हो गया 186, ये एक और 3 है जो भी माइनस करना है, तो ये हो गया 189 टोटल। अब 3 पावर 6 में से 189 माइनस कर दीजिए, यानी 729, 189, ये 0, ये 4, ये 5, 540 इज अ राइट आंसर। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, अ मैन टेक अ स्टेप फॉरवर्ड विथ प्रोबेबिलिटी 0.4, एक मेन फॉरवर्ड स्टडी फॉरवर्ड स्टेप ले रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी दी है 0.4, एंड बैकवर्ड पीछे जाता है उसकी दी है 0.6। द प्रोबेबिलिटी दैट द एंड ऑफ 11 स्टेप, केवल 11 स्टेप वो लेता है, ही इज वन स्टेप अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ही इज वन स्टेप अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज। अब इस तरह के आपको ऑप्शन दिए, जरा हम समझें,
और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा क्या क्वेश्चन है। 462.04 की पावर 5, 462.14 की पावर 5 एंड 462.24 की पावर 5। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा कि आप एक स्टेप आगे ले रहे हैं, एक स्टेप पीछे, आगे लेने पर 0.4, पीछे लेने पे 0.6। आपने टोटल 11 स्टेप का ट्रेवल किया, फाइनली आप जिस पॉइंट पर भी थे उससे केवल एक ही स्टेप आगे। इसका मतलब हुआ कि 11 में मुझे 6 स्टेप आगे लेनी है और 5 स्टेप पीछे लेनी है। सुनिएगा, 6 स्टेप आगे लेनी है, 5 पीछे, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 5 पीछे लेनी है अल्टीमेटली में एक, पर इनको अरेंज भी करना पड़ेगा। राइट, अब 6 फॉरवर्ड 5 बैकवर्ड, ऐसे सोचिए 5 बैकवर्ड 6 ये आगे पीछे हो सकता है, यानी आप बेसिकली तो ऐसा बोलेंगे 11 पर्सन को अरेंज करना अपॉन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 या 11C6 जो हम लिखेंगे 11C5 भी। अब दोनों चीज़ें होंगी, मैं बताता हूँ इसमें केस, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, हम इसको बैकवर्ड से भी सोच सकते हैं, फॉरवर्ड से भी सोच सकते हैं, हर तरह के केस कंसिडर करने होंगे। तो थोड़ा सा सोचिएगा, ज़रा ध्यान से समझिएगा कि जब हम बात कर रहे होंगे, अगर इसको मैं सॉल्व करूं 11 × 10 × 9 × 8 × 7, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 5, 4, 3, 2, 1, 8 से कंप्लीटली 8 कैंसिल, 3 से ये 3 टाइम कैंसिल, राइट। अब मिला है ये 5, ये भी 2 टाइम कैंसिल, ये हो जाएगा 6, 42 × 11, तो 420 प्लस 42 यानी 462, देखिए 462 सभी में, इसीलिए। उसके बाद क्या होगा आप समझिएगा इस क्वेश्चन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मैं ऐसा सोच सकता हूँ 11 में 6 स्टेप आगे ले रहा हूँ, जब मैं 6 स्टेप आगे ले रहा हूँ तो मैं लिखूँगा 0.4 की पावर 6, 0.6 की पावर 5। मैं 5 स्टेप पीछे ले रहा हूँ ऐसा भी बोल सकता हूँ, 0.4 की पावर 5, 0.6 की पावर 6। इन दोनों की वैल्यू बाई चांस 11C6 11C5 सेम होता है, 462 कॉमन हो गया। एक चीज, 0.4 की पावर 5, 0.6 की पावर 5 भी कॉमन हो गया, तो बचा क्या 0.4 प्लस 0.6 जो कि 1 हो गया, उसकी बात खत्म। तो 462 ये हो गया 0.24 की पावर 5, 462.24 की पावर 5, दिस इज द राइट आंसर। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन।